नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे कार्यक्रम भौकाली दद्दा लाइव में। और एक बार फिर दद्दा हमारे बीच में है और आज बात करेंगे पिछले हफ्ते की कुछ सरकारी कारगुजारियों पर, कुछ राजनीतिक मुद्दों पर। दद्दा भैया, क्या कहते हैं, क्या चल रहा है इस समय? इस समय तो दशहरी चल रहा है भैया। दशहरी तो तुम हमरे लिए भी लाए हो आज। हाँ भैया, इस समय दाल वाली है? दाल वाली नहीं है, चुई भाई है। चुई? हाँ, दाल वाली मान लो तोरी के निकलो। हाँ। जब व्याचे व्याचे को धंधा करे, मान लो दूर तक व्याजे, 3 दिन रोक के कर, वही दाल वाली तोड़वा देते हैं। हल्की गद्दर देखी, यह एकदम चुई भाई पाक है। मलियाबाद में इका का बोला की सीप, सीप सीप असल में होती है जो पहले दाल में यहाँ पका आम जो होता है। हाँ। वो सीप बोला जाए जी की गुठली एकदम पाथर वो। हाँ, एकदम। हाँ। उस समय असल में पानी उतना बरसा नहीं होता। हाँ। गुदा चढ़ा नहीं होते। हाँ। आम पर। हाँ। आम फूलत है, पानी यो पानी इधर बरस के नहीं। हाँ। आम बढ़िया उपजे, लेकिन वह है कि चली कितने रोज आम? अब यू तो मुश्किल से नहीं, हमका लगा 6-8 दिन हो। दशहरी 10 दिन की, उसके बाद चौसा, वही के बाद लखनऊआ। लखनऊआ छोटा सफेदा। हाँ, छोटवा। हाँ, फिर वही के बाद तुम्हारा, फिर उसमें किस्म बहुत चलते हैं, जैसे इस समय गुलाब खास भी चल रहे है। हाँ। जौहरी चल रही है। हाँ। और तुम्हारा अबे चौसा आई, फिर फजली आई, फिर जरदामिन है उसमें, या हाथी झूल है, या फिर देसी बहुत है। तो फिर पूरा महीना जो आषाढ़ का आषाढ़ी तक तो आम ना ना, भादो तक, भादो तक नहीं। हाँ भाई, आषाढ़ी में यूं मान चलो लखनऊआ शुरू हुई। लखनऊआ शुरू हुई छोटा वाला। हाँ, वही खावा जाते हैं आषाढ़ी में, वही खावा जाते हैं। और फिर वही के तुरंत बाद जैसे बारिश झमक के हो लगी। हाँ। तो फिर चौसा। तो ये हमका बताओ कि राजनीतिक सरगर्मियां पिछले हफ्ते काफी रही। हाँ, योगी जी गए उप मुख्यमंत्री के यहाँ उनके पुत्र वधु को आशीर्वाद देने। हाँ। पी गई। नहीं तो हमका यू नहीं समझ में आओ, सब लोग यही कि नाराजगी दूर करे चले गए। अरे उनके पार्टी है, वही कह के हुए जात का। अब पार्टी मान लो उनके है मतभेद। हाँ। तो मतभेद यहाँ बैठ के नहीं तुम बता रहे हो, और उनका तो गलत है साबित करे तो सब ऐसा कर भी नहीं। भाई तुम्हारे कहे थोड़ी ना भी चल रहे, वो तो अपने हिसाब से चली है। हाँ। वो एमा बीच में आएंगे, वो कौन संजय निषाद कहा था कि हमका। हाँ। सीएम का चेहरा बना दे। अरे भैया आप देखो, वहा है ना कि राजनीति में यहाँ खेल यमे चलती। अब उनका लाख हुआ भाई, एक के पहले चाहे उनका देख लो, ओम प्रकाश राजभर वाली कहानी। ओम प्रकाश राजभर बड़ी अच्छी बात कही ने। तो ओम प्रकाश राजभर ने संजय निषाद से कहा कि हमारी तरफ आ जाओ तो हम तुमका जो है 1 साल का मुख्यमंत्री बना दे सरकार में। अच्छा, 5 साल में 5 मुख्यमंत्री बनेंगे उनकी सरकार में, हर साल 2 डिप्टी। हाँ, सब लोग, सब लोग भाई, सब लोग चंदन तक फूके के इंतजाम कर ले भाई। आओगा सब राजकीय शोक और पूर्व मुख्यमंत्री। हाँ, भूत नहीं लगे हैं, पूर्व लगा ले हैं। बड़ा एहसान करी है लेकिन उत्तर प्रदेश में इसी राजनीति करके। अब वह कहे ना। अच्छा, अब उसके बाद में अब हम लोगों को इस मुद्दे पर बात जरूर करनी चाहिए जो चेयरमैनशिप का चुनाव होता है। मैं जानना चाहता हूँ आपसे दद्दा कि ये चेयरमैनशिप का चुनाव क्या, जिला पंचायत? हाँ, जिला पंचायत शुरू से बताइए। हाँ, ये क्या होता है जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव? भैया तुमका सही बताई, यू जैसे वो नहीं होते है कि तुम्हारा जैसे MLC वाला चुनाव, MLC सत्ता चुनाव भाई, सत्ता है और बहुमत में है तो संख्या के हिसाब से 36 या 37 विधायक पर MLC यू, और स्थानीय निकाय जो चयनित हो तो स्थानीय निकाय में वोटर होते हैं वही सरकार के दबाव में। यह है जिला पंचायत, जिला पंचायत में गावे चाहे जो कुछ जो कुछ, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव ज्यादातर भाई। अब मान लो कौन जिले में यू हो जाए कि इनके सदस्य तीनों ना हो, सरकार के अगर तीनों सदस्य हैं तो वही 18 सदस्य मैनेज के लिए, इसलिए तो सदस्यों को यह मालूम है कि भैया कुछ हो गए, लेकिन आगे काम वही करेंगे, आगे काम हो गए नहीं। तुम जो प्रस्ताव में दियो पता चला विधायक भाई, जिला समिति के जो बैठक हो पता चला विधायक अड़ंगा लगा दी, सांसद अड़ंगा लगा दी है, और नाईपुर तो अफसर बैठा है उसका कह देंगे विरोधी है। तो कुल मिला के होता यही है सत्ता पक्ष के चुनाव है।
तो उन्नाव की थोड़ी चर्चा कर ली जाए, वहाँ पे चेयरमैनशिप को लेकर लगातार संघर्ष के ही ऊपर कृपा निधान रही है सरकार। नहीं अब उनका यू लागत रहा है भाई, सबसे पहले देखो जब सदस्य वाले में यहाँ रहा तो चूंकि उनकी पत्नी पहले रह चुकी ठीक है, हाँ तो उनका दिन नहीं रहा, लेकिन वो मामला इस है और विरोध हुआ तो उनके कटा। अब उनका सदस्यों में यहाँ अपन प्रत्याशी घोषित करे के सीधा सीधा इशारा रहा कि उनका चेयरमैन ही देना है। और दूसरा फिर इनके राग अरुण सिंह को अपन कहीं का वो कई दिन साक्षी महाराज सब पूरा उपलब्ध है। अब वो हम उनका विरोध भयंकर विरोध हुआ और शाम तक तो और देखो सरकार कैसे चलत, सरकार अपन तीसरा ऑप्शन नहीं है अजीत सिंह की पत्नी अजीत सिंह की अपने ही जन्मदिन के दिन। हाँ वो तो खैर ये है कि हाँ वो उनके जो लड़का की शंकाएं भी थी उस पर कि उनका नहीं उनके लड़का नहीं, फिर वही के बाद अब चक्कर का है कि सरकार का यहाँ तो दिखाव है कि हमारे आदमी हो। हाँ, बहुत बड़ा संदेश आता है। और फिर वही जौनी विधानसभा से आ रही है वहाँ पर यहाँ कोई तुम्हारी बैठ है यहाँ पंडित जी दीक्षित जी। हाँ अच्छा दीक्षित जी सुनने तो युवा हो रहा है कि अब पहले इनके लड़का वो रहा है लेकिन हम वहाँ के साथ सीट वीट बदल के रहे अशोभा के इनके वही है लड़का दिलीप के बात रहा है उस समय चर्चा रहा है इलाके में की हुई जिला पंचायती अब की लड़ी है जो हम कारण रहे हैं। तो एक चीज और हुई के कि भाई इन्होंने की इच्छा पूरी हुई के हमारे इलाके और बाकी सत्ता पक्ष क्या रहा है और कबो देखी लो मान लो ये अब अध्यक्ष हो जाए सब और 22 में चुनाव हो जा रहा विधानसभा का खुदा न खास्ता सरकार गए पिछली दिन देखे ना जितने ब्लॉक प्रमुख भाई दो चार बच जाते हैं जैसे हमका याद है कि मिर्जापुर में यहाँ वही बच जाते हैं तुम्हारे विनीत सिंह और पिछली दाएँ ये बच गए रहे यहाँ वह बचे रहे और ये बच गए रहे तुम्हारे गाँव ये अयोध्या वाले फैजाबाद रहे उस समय अयोध्या वाले ये अपन विमल सिंह का उनकी पत्नी ना है। तो कुछ लोग होते हैं जिनके सिस्टम जैसे अपने हुए विजय बहादुर देख लो भाई सरकार गए तुरंत चले गए। अच्छा एक बड़ी मजेदार घटना बरेली से सामने आई है जहाँ पे एक एक AIIM से लड़े थे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से और उन्होंने अचानक समाजवादी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो वहाँ उनके घर चाय पीते हैं और पूरी चर्चा होती है कि समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करेंगे और अब पता चल रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के जो रश्मि नाम की प्रत्याशी है उसके परिवार के साथ में मुंबई और गोवा घूमने चले गए। तो यह होते हैं खाली क्या मालूम है उनका कि हम इतना पैसा लगाए जीत गए हैं भाई मान लो ना पैसा थोड़े लागे में लेकिन हमार पूछ का हम मान लो पद लीने बैठ रही जी जी और खड़ंजा हम 100 मीटर न बिछुआ पाई बिल्कुल भाई वहाँ तो हो तो वह चीज हो और तुम कौनो वही मैं देख लो यह बसपा सरकार में है भाई सब रहा है ये के PCF चेयरमैन रामचंद्र प्रधान अपने भाई धर्मेंद्र हैं वो भाई सरकार के संरक्षण और ये होते हैं ये चुनाव तो सत्ता पक्ष के। तो इसमें एक अच्छी खबर जो है वो बलरामपुर से है जहाँ पर एक 21 साल की लड़की थर्ड ईयर की उसको भारतीय जनता पार्टी ने चेयरमैन पद का प्रत्याशी नहीं ये मुझे बिल्कुल बंगाल का वो लग रहा है कि बंगाल में एक घरेलू कार्य करने वाली महिला को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया था और वो जीती भी थी। तो इस तरह के प्रयोग भी अच्छे होते हैं अलग चीज एक चीज और देखो राजनीति जैसे शुचिता वही की बात सफाई को की बात लोग करते हैं तो राजनीति में या जो अगली जनरेशन है जो दिया जनरेशन से ले गया हुआ है बिल्कुल की सोच का बिल्कुल अलग सोच सही है की सोच आज के हिसाब की बिल्कुल है अब ये सब VCPT हम लोग संस्कार को लेके चीजें ठीक है लेकिन जो व्यवहारिक हो बिल्कुल सही। अगर आज की तारीख में कहा जाए आप लोग कंप्यूटर से पढ़ रहे हैं अरे तो क्या करेंगे बच्चे
अब है आज का समय ऐसा है तो समय के साथ युवा परिवर्तन और राजनीति में युवा पढ़े लिखे और महिलाओं भागीदारी बढ़िया होए। और ये बिल्कुल इसका असर देखिए, शुरुआत में जब 33% आरक्षण हुआ पंचायती राज में, ये कहा गया कि महिलाओं को पुरुष चलाएंगे, लेकिन आज की तारीख में कहीं मतलब फिर भी महिलाओं के लिए पुरुष ही चला रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी 60% 50% प्रधान जी महिला प्रधान जी काम कर रही है। नहीं आवा शुरू हुआ, धीरे धीरे असर आवे लगा है और उसको अपनी ताकत का। और फिर यहाँ चीज समझ लो, राजनीति में बैठी काहे कहा जाती है महिलाओं भागीदारी, ये मान लो 10 काम करें तो वही जो अपन वो है अपन समाज या अपनी समकक्ष महिलाओं जो जिनका जोड़ के चलिए उनके लिए 10 मजदूरी काम जरूर करिए, इसलिए उनकी भावनाएं वहां जुड़ी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। तो यू तो बढ़िया चीज। तो चेयरमैन चुनाव तो फिर भाजपा में होने का उम्मीद है आपको क्या लगता है? अधिकांश नहीं, ऐसा है कि बहुत जगह बढ़िया है, मामला कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, लेकिन जीत गए हैं वो कही है, लेकिन कुछ कोई नहीं गए। वो सत्ता जिसके पास है न, 6 महीना काम करे गए हैं, 6 महीना बाद पता चला कि कुछ नहीं, यो तुमने खिलाफ है भाई लिखवाई। ये सारी चीजें हर सरकार में होती हैं और इसमें ये चर्चा का ही विषय है बस, उसमें कोई बदलाव होने की बहुत उम्मीद नहीं है। देखिए अभी हमको, मुझे लगता है कि एक बार फिर हमको कुछ देर के लिए कोरोना पे बात फिर करनी पड़ेगी, क्योंकि पिछले 2 दिन में 30-25% मामले देश में फिर बढ़े हैं। हाँ बढ़े हैं, और डेल्टा प्लस वन करके जो वेरिएंट आ गया है। अरे एका तो बताओ बहुत खतरनाक है, 10 फुट तक पकड़ ले। हाँ तो अब बताइए इस तरह के जो चीजें आ रही हैं, और आप लोगों को बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। यू तो करे पड़ी भाई, देखो जो तब है रहा है की हाँ अब खुलेगा तब हो जरूरत हो निकलो। और कम से कम बाहर के खाद्य पदार्थ, बाहर की खान पान से इससे बचें, जितना छुआ इस तरह की टच करने वाली चीजों से बचेंगे उतना ही अच्छा होगा। और सैनिटाइजर मास्क और ये सब तो ये मास्क और ये सारी चीजें लगातार संदेश देते हैं सारी चीजों का कि कोरोना से बचिए, हमें मई और अप्रैल वाले भयानक माहौल में दोबारा लौट के नहीं जाना है। और नहीं, और जब पहले से नहीं मालूम है, देखो यू है ना कि जब पहले से नहीं मालूम है यू होए वाला है, बिल्कुल तो पहले तैयारी रखो ना। और क्या, अब एंड टाइम तो सोचो जब आई तब देखा जाए। आज जिस तरह से मुख्यमंत्री ने जो संदेश योगी जी ने फिर से जारी किया है और जीनोम सीक्वेंसिंग और ये सारी चीजों के लिए वो कह रहे हैं, उसको बहुत ध्यान रखना है कि हमें फिर से उन परिस्थितियों में नहीं जाना है। और एक चीज और जरूरी है, वैक्सीनेशन फ्री है, चल रहा है, थोड़ी सी मशक्कत है, सभी लोग अपना वैक्सीनेशन बिना किसी भ्रांति का सामना किए हुए जरूर कराएं, जरूर कराएं। इसी से ही अपनी देश की समाज की हम रक्षा कर सकेंगे, अपने परिवार की रक्षा, क्योंकि एक बार आप उन लोगों की केस स्टडी देखिए, उन लोगों के बारे में पढ़िए, उनके बारे में जानिए, उनके परिवारों की क्या स्थिति है, आप खुद इस खतरे से आगाह हो जाएंगे। तो दादा फिर अगले सप्ताह आपसे मुलाकात होती है किसी नए मुद्दे के साथ में, और लोग आपको बहुत याद करते हैं जहाँ मिलते हैं। अरे नहीं भैया, लोग आपको याद करते हैं, नहीं बहुत पसंद करते हैं, फोन कर लीजिएगा तो आपका हमारा साथ ऐसे ही बना रहेगा। हम लोग अपने दर्शकों का यूं ही बिल्कुल ज्ञान वर्धन और मनोरंजन करते रहेंगे। और बाहर खाए चक्कर न करो, दादाजी है कटहर बढ़िया रहा, बड़ाहल आ रहा, जामुन आ रहा, फलें सबसे बढ़िया तो जामुन है। अरे भैया एक टाइम आम भी खाओ, आम सही बात है, और एक गिलास दूध पी ले, आम खा ले। जो मधुमेह के रोगी है वो इतना जामुन खाए नहीं, डाल के पका आम खाओ, को कही रहा की उनके वो हो जाए, कम खाओ भाई, दो जगह एक खा लो। और सुनो, आम जैसे कुछ लोगों साथ दिक्कत है की वो कहा हम आम खा ले तो हमारा पेट गड़बड़ा जाता, कबो न आम डकर खाओ, एक गिलास दूध पी लो बराबर। अब हमें याद है हम एक बार मलियाबाद में गए थे तो वहाँ पे बुकनू दे दिया जाता था आम खाने के बाद, बहुत चीजें, लेकिन हर चीज के लिए एक सिस्टम है। अब कल हेमंत शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार देश के, उन्होंने पोस्ट लिखी थी, बहुत सुंदर पोस्ट थी कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी जब एक साल गर्मी के मौसम में चीन में रहे तो उन्होंने अपने मित्र आम नहीं खाया, वो हमारे जीवन से हटाया, उन्होंने कहा कितनी सुंदर बात है कि आम के प्रति ये प्रेम, जिस साल आम नहीं खाया हाँ तो वो हमारे जीवन काउंट ना कट कर दीजिए, इसलिए आम जरूर खाइए और अच्छा आम खाइए, और बच्चों को आम की आदत डलवाइए, क्योंकि आम से बड़ी कोई मिठाई नहीं इस सीजन में लखनऊ वालों के लिए नहीं। तो हम सब आपसे मिलते रहेंगे, अगले सप्ताह फिर से मुलाकात होगी,
आप सबका धन्यवाद, नमस्कार। जय 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 जय।